आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फ्राई चांपे। जी फ्रेंड्स, हमारी फ्राई चांप बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फ्राई चांपे, बहुत इजी झटपट बन जाने वाली। मैंने आपकी आसानी के लिए चांपे ले ली थी, इसे लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर इन्हें बॉईल कर लिया था ताकि मैं आपका कम से कम वक्त ले सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बॉईल चांपे मैंने ले ली है, इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मैंने 4 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया है, ये डाल दूंगी। और इसके साथ साथ मैं ले लूंगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और 2 टीस्पून मैंने सूखी मिर्च ले ली है। और इसके साथ मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून बेसन, लेकिन मैं अभी नहीं ऐड कर रही इसे। पहले हम इन चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी चांपों के अंदर इन सब चीजों का टेस्ट आ जाए, मसालों का, सोया सॉस का। फिर हम इसमें बेसन डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें अब हम बेसन डालेंगे। अब मैं इसे हाथों से मिक्स करने वाली हूं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, इसे मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे थोड़ी देर रखेंगे, 10 मिनट रखूंगी और फिर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, एक एक पीस करके हम आराम से डालते जाएंगे इसमें। एक साइड से हो चुकी है, उनकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमने इसमें सोया सॉस डाला था, इसकी वजह से काफी डार्क कलर आ रहा है इसका। ये हो चुकी है, बस इन्हें अब निकाल लेंगे। डिश आउट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारी फ्राई चाप बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत मजे की बनी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने हरी मिर्च और टमाटर के छिलके से ये फूल बनाया है गुलाब का, और ये छोटा सा हमने रेड बनाया है नींबू से। ये मैं आपको बता दूंगी कैसे बनता है, बहुत ईजी है। साइमा को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।